finding modulus, what is formula for z equals to a plus ib? What is formula? R is equal to root a square plus b. For complex number z equals to a plus ib mod z or r, modulus is equal to square root of a square plus b square. And for finding amplitude, we have total 8 formulae. If complex number lies in any quadrant, then we have 4 formula. If you remember, in first quadrant, just tan inverse of b by a. Second quadrant, pi minus tan inverse of b by a. Third quadrant, pi plus tan inverse of b by a. And fourth quadrant, 2 pi minus tan inverse of b by a, right? Yes, sir. And if complex number lies on any axis, then again, we have 4 values, in fact, we can say in this case. So if the complex number lies on positive x-axis, then the magnitude is amplitude is 0. Positive y-axis, pi by 2. Negative x-axis, pi. And negative y-axis, 3 pi by 2. Correct? Yes, sir. Yaad aa raha hai na? Yes, sir. Okay. And then हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था कि अगर इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन आइदर पोलार फॉर्म और ट्रिग्नो फॉर्म, नाम दो है, काम एक ही है, पोलार फॉर्म और ट्रिग्नो फॉर्म, देन z इज इक्वल्स टू r इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, याद है सबको? यस सर. इतना हमने पढ़ा था. हमने पोलार फॉर्म के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, बट जिसने भी मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया है तो उसके लिए ये कुछ करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वही चीज है. मॉड्यूलस इट मींस आर, एम्पलीट्यूड इट मींस थीटा. तो अगर आर और थीटा मिल चुका है तो वही आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट विल बी द पोलार फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, एक सम में कोई भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे. So, for example, मैं आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ. इफ सपोज द क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलार फॉर्म फॉर z इज इक्वल्स टू, वी हैव वन एग्जाम्पल, 1 प्लस 2 आई बाय 1 माइनस 3 आई, 1 प्लस 2 आई बाय 1 माइनस 3 आई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. कोई बोल सकता है इसको अगर मुझे सॉल्व करके मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो मैं क्या करूं पहले? सर पहले तो सर हम ये आई को हटाएंगे सबसे पहले. हाँ, सबसे पहले मेरा काम होगा इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? यही है ना, कोई भी सम क्लियर है, सबसे पहले उसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो. एंड फॉर दैट वी हैव टू कॉन्जुगेट दिस डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस 3i. करेक्ट, सो इट विल बी नाउ न्यूमरेटर 1 into 1 इज 1, 1 into 3i is 3i, 2i into 1 is 2i, and 2i into 3i is 6i square by a minus b a plus b, that is a square minus b square. So now we have 1 plus 5i. For new student, आपके लिए बहुत तकलीफ होगी, but कुछ ही दिन के लिए अभी हम लोग न्यू बैच में शिफ्ट करेंगे तो बिगनिंग से सब आपको पढ़ाएंगे. यहाँ जब देखने की कोशिश करो आपको आइडिया आएगा. We all know that I value क्या होता है? Hello. Root of minus. Yes, sir. I की value क्या होती है? Root of minus. Since root I of minus. Yes. Since I is root of minus one. Square root of minus one. That's why I square is minus one. Minus I square one. Is minus, minus one. One. So I square के जगह पे अगर minus one लेंगे तो that will be minus six. तो हमें क्या मिल रहा है? 1 minus 6 मंजे minus 5. और डिनोमिनेटर में भी देखो आई स्क्वायर है,
अभी क्या हो जाएगा, 1 + 9 हो जाएगा, राइट? -1 - -5 अगर मैं कॉमन लू, -5 अगर मैं कॉमन लू तो क्या मिलेगा, 1 - i/10 बरोबर। yes, तो हमें z की वैल्यू मिल रही है, आप देख लो z की वैल्यू मिल रही है -1/2 -(-+i/2। ये मेरा a+ib फॉर्म आ गया, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = -(-2)/i/2। इतना समझा? Yes, अब हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था इसको पोलार फॉर्म में, दैट मींस ये फॉर्म में लाना है। ये फॉर्म में लाने के लिए मुझे उसका मॉड्यूलस चाहिए और एम्पलीट्यूड चाहिए, आर एंड थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अब जाके इतना सॉल्व करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है a+ib फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है a+ib फॉर्म में, तो अब मेरा a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1/2, एंड b की वैल्यू 1/2, राइट? सो इट मींस मॉड्यूलस, पहले आर फाइंड करेंगे, आर का फॉर्मूला हमारे पास सामने है, a² + b² दैट मींस इक्वल्स टू -(½²) + ½² (1/4) + (1/4) दैट मींस 2/4 = 1/2, या बोल सकते हो आप 1/√2, है ना? Yes. Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ? समझ रहा है सर। समझ रहा है। And now, next thing is to find theta. For finding theta, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट देखो, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। Of course. है माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट ना कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। सो यस, एम्पलीट्यूड थीटा तो कैसे सॉल्व करेंगे, π - tan−1/b/a, राइट? सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस ना, यस सर, दैट मींस π - tan−1/b/a, बी की वैल्यू है हाफ, ए की वैल्यू है -½, लेकिन मैं आपको सबको पता है मॉड्यूल देते हैं π - tan−1/1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, 45 मंजे π/4 इन रेडियन, तो 4π - 1π, 3π/4, ये आ गया आपको थीटा। तो पोलार फॉर्म क्या लिखोगे, पोलार फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सर वो तो माइनस में आएगा ना, इस पोलार फॉर्म क्या सर, सर जो आपने लिखा π - tan−1 और ब्रैकेट में 1/2 उसके नीचे, अभी भी तू tan−1 पढ़ रहा है, अभी भी तू tan−1 पढ़ रहा है, मैंने बोला था उसको क्या पढ़ना है, tan inverse yes, it's inverse। हाँ अब आगे बोल, डाउट बोल सर, वो उसके नीचे सर वो ब्रैकेट में 1 लिखा सर, वो -1 होना चाहिए ना। परफेक्ट अथर्व, इसका मतलब तो अब तक न्यू स्टूडेंट कोई पूछता तो मैं सोचता बेचारे वो कंफ्यूज हो गए कि अरे प्लस 1 कैसे लिखा, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट पूछना ही है, तो अगर एक आंसर दे सकता है मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस
आपको जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे फॉर फाइंड हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड, तभी बताया गया था कि उस पर इनफैक्ट कई कुछ मिनट तक डिस्कशन हुआ था कि हम मॉड क्यों ले रहे हैं. मॉड ले रहे हैं कि उसको हम लोग निगेटिव ताकतों से दूर रखें. कुछ भी रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे, हमें पॉजिटिव ही लिखना है, इसीलिए हम लोग मॉड लेके चल रहे हैं. ठीक. ओके सर. अथर्व भूल जाता है. So now the question is over. This is the polar form. Polar form मतलब Regano form में क्या किया मैंने, मेरा ये formula है ना polar form का, r into cos theta plus r sin theta, ये हमने derive किया था अगर याद होगा तो. So finally मैंने r find कर लिया था, यहाँ पे r मिल गया था, कहाँ गया r, यहाँ मिल गया था, and theta मैंने यहाँ find किया, and now I have substituted the value in this formula. Z equals to r, r is 1/√2. cos theta, theta is 3π/4 plus I sin theta. मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. दिस इज आवर ट्रिग्नो फॉर्म और पोलार फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक. यस सर. हाँ प्लीज इस पे ध्यान दो. हेलो सर. सर जरा सर बोलो. सर इसके बाद में कुछ नहीं करना. तेरी आवाज. हेलो. इसके बाद पूछ रहा है. भाई तेरी आवाज बहुत अटक रही है इसके. अरे सुनो. अच्छा अगर जितना मैं समझ पाया हूँ तेरा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अगर कोई भी ये सोचता है कि इसके बाद क्या कर सकते हैं तो फिर आप लोग फंस जाओगे. क्या होगा सुनो, देख लो. जिन्होंने सोचा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज समझने की कोशिश करो. जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल फॉर्म में ऐसा दिख रहा है, जेड इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस आई बाई टू, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार या ट्रिग्नो फॉर्म में ऐसा दिख रहा है. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, ये रियल फॉर्म है या ट्रिग्नो फॉर्म है. अगर आप में से कोई भी ट्राई करेगा कि इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो आप जरा ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करोगे घूम के यहीं पे पहुंचोगे. किसी को पहले ढूंढना पड़ेगा कॉस 3/4 की वैल्यू. 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है. यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो आप यहाँ आ जाओगे. समझा नहीं समझा सर. तो इसलिए आपको इसके आगे प्रोसीड नहीं करना है, जस्ट ट्रिग्नो फॉर्म में लिख के छोड़ देना. आपका क्वेश्चन भी वही है कि उसको ट्रिग्नो फॉर्म में बना के छोड़ दो. इसको सॉल्व करने जाएगा तो यही आ जाएगा रियल फॉर्म में. मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई अच्छा वाला एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो आप लोग को समझेगा. पहले इसको इसको कंप्लीट करो. सब लोग लिख रहे हैं. यस सर. यस सर. यस सर. सेट्स रिलेशन टॉपिक समझ रहा है? यस सर. यस सर. अच्छा टॉपिक है. एंड अगर सेट्स रिलेशन पार्ट समझा, सेट्स तो आपने पहले भी पढ़ा था, रिलेशन पार्ट भी इजी है, बट उसको अच्छे से समझ के लो. वो समझेगा तो फिर फंक्शन समझेगा, नहीं तो रिलेशन नहीं समझा तो फंक्शन में फिर ब्लैंक हो जाओगे. सबका हो गया? यस सर. नो सर. हाँ जिनका नहीं हुआ फटाफट कर लो.
बट लिख के लो हेलो सर बोला था रवा सर मैं बोल रहा हूँ सर वो पूरा सा मेरा ये अभी हाँ ये कंप्लीट है ना अरे कंश्याम क्यों कंफ्यूज है तू क्या हुआ एग्जैक्टली सर वो मालूम है मतलब अभी आप लोग ने पहले ये निकाला था मॉड्यूल एम्पलीट्यूड अभी पोलर फॉर्म निकाला ना मतलब पूरा कंप्लीट हो गया ना अभी एक अब कंप्लीट हो गया यस हाँ हाँ हो गया सबका कि नहीं भाई हो गया सर हो गया सर तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल फॉर्म को पोलार फॉर्म में कैसे लेके आएंगे देन हम लोग सीखेंगे कि अगर पोलार फॉर्म दिया है मतलब ट्रिग्नो फॉर्म दिया है तो उल्टा भी चलना है यहां से यहां भी आना है अभी हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं फिर आगे यहां से यहां भी आना है ठीक है मैं एक इजी सम और ले रहा हूं पोलार फॉर्म का एंड देन फिर उल्टा वाला सम करेंगे सपोज मुझे दे दिया ऐसा द क्वेश्चन इज फाइंड द पोलार फॉर्म ऑफ एकदम इजी वाला ले रहा लेट्स से -1 दे दिया अगर -1 दे दिया तो आप सबको समझा यहाँ पे ए क्या है -1 व्हाट इज बी जीरो ठीक है तो मॉड्यूलस अगेन फॉर्मूला तो हमारा वही है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट मीन्स वन करेक्ट है yes, sir. Yes, sir. एंड एम्पलीट्यूड जब फाइंड करने जाओगे एम्पलीट्यूड जब फाइंड करोगे थीटा तो आपको ये देखना है -1,0 है -1,0 मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यस ना यस सर -1,0 तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही आएगा ना क्लियर है सबको हाँ सर तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो क्या मिला पाई एम्पलीट्यूड मतलब ये वैल्यू पाई yes, मिला तो अब मेरा पोलार फॉर्म क्या होगा मैं सबसे इजी सम लिया पोलार फॉर्म क्या होगा पोलार फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज फॉर्मूला आर जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो यहाँ पे मेरा आर क्या है 1 है एंड कॉस थीटा थीटा है पाई तो सम यहीं पे खत्म हो गया जेड इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई अब अगर आप में से कोई सोचता है सर इसके आगे सॉल्व किया तो अभी खुद सोच के देखो कॉस पाई कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है ध्यान देना
cos 180 किसी को मालूम है? हाँ जी, ट्रिग्नो में पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा है, ट्रिग्नो में पढ़ा है, कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। माइनस वन, माइनस बता रहा है, माइनस इज माइनस वन, क्योंकि आप लोग को याद कैसा रखना था बच्चों, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। आपको याद रखना था, आपने जब ट्रिग्नो वन पढ़ा है तो आपने देखा है cos थीटा इज x, sin थीटा इज y, यही था ना? यस सर। हाँ सर, cos थीटा x, sin थीटा y, मतलब x एक्सिस पे, x एक्सिस पे जब भी cos आएगा तो cos जीरो, x एक्सिस पे जब भी cos आएगा मतलब अगर यहाँ है तो cos जीरो, cos जीरो विल बी वन, इस तरफ आएगा तो माइनस वन, फिर वन, माइनस वन, ऐसा x एक्सिस पे उसकी वैल्यू 1 और माइनस 1 होगी और y एक्सिस पे वो 0 होता है, बट साइन की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होगा, y एक्सिस पे प्लस 1 माइनस 1 होगा, ये सब ध्यान देना चाहिए। हेलो, यस सर। तो इट मींस cos 180, cos pi इज माइनस 1, sin pi इज 0, तो आपको यहाँ पे लिखोगे तो अगर जैसे ये साइन पाई जीरो होगा, जीरो इंटू आई ये जीरो हो गया, कॉस पाई मतलब माइनस वन, माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस वन, यही मिल गया ना? यस सर। हाँ तो अब समझो प्लीज, ये आपको जस्ट ट्रिग्नो फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, आगे सॉल्व मत करना, नहीं तो रियल फॉर्म में पहुंच जाओगे जहां से निकले थे। ठीक? यस सर। जो लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा अब कंफ्यूज होंगे कि मैं कौन सी बातें बीच में बोल देता हूँ, लाइक cos थीटा x बोला, sin थीटा y बोला, अगर ट्रिग्नो पे कमांड नहीं लिखा रहेगा तो वो टेंशन में आएगा कि ये क्या बोल दिया। फिर मैंने बोला x एक्सिस पे हमेशा cos की वैल्यू आइदर 1 और माइनस 1 एंड y एक्सिस पे sin की वैल्यू आइदर 1 या माइनस 1, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, आगे बहुत काम आएंगी। लिखो लिखो लिखो, डन सर। एवरीवन, एंड वन मोर थिंग, जो इस साल भी बोर्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है कि लाइक लास्ट ईयर भी 25% सिलेबस डिडक्ट किए थे, इस साल भी वो सेम प्रोसेस चलेगा, आपका 25% सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक? यस सर। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सारी चीजें भी डिलीट हो गई है, मैं आपको पूरा चार्ट देता हूँ एक दो दिन में। सबका हो गया? यस सर। वन सेकंड सर। अब मैं एक सम ले रहा हूं जिसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है, वो पोलार फॉर्म में दिया है और मुझे रियल फॉर्म में आना है। ओके, उससे पहले मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूं एक बार, अगर आप लोग को याद होगा हमने इस तरह से किया था, इफ सपोज हियर वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से a, b, aib के लिए, a+ib के लिए, अगर याद होगा याद है किसी को? यस सर। यस सर।
ये ऐसा ही था राइट यस सर यहाँ पे हमने हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आर की वैल्यू फाइंड की थी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस सर एंड हमने देखा था कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बाय आर साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन आर इसी इसी के बेसिस पे हमने tan थीटा फाइंड किया था sin / cos / tan / b / a मिला था ये तो हां जी यस यस ओके तो अभी अभी ना सिर्फ आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ बता रहा हूं सिंस द क्वेश्चन इज फॉर z equals to a plus ib तो मैंने यहां पे a कमा b कोऑर्डिनेट लिया एंड देन उसके बेसिस पे सारा फार्मूला ab में है अगर सपोज आपको क्वेश्चन बोलता है इन टर्म्स ऑफ x अप x प्लस i y तो आपको डरने की जरूरत है क्या नो सर नो सर दैट मींस a विल बी रिप्लेस्ड बाय x एंड b बाय y बात समझ में आ रही है यस सर यस सर जहां जहां a है वहां वहां x हो जाएगा जहां जहां b है वहां वहां y हो जाएगा जस्ट एक ही चीज है दोनों रियल नंबर्स है उसमें कुछ अलग नहीं है लिखने का सिर्फ तरीका अलग है ठीक ओके तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ पोलार फॉर्म से रियल फॉर्म में आने के लिए अभी देख के जाओ आप लोग अभी डेली बेसिस पे सीटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि नहीं या होमवर्क में ज्यादा बढ़ाओ अच्छा हमने अभी देखो जैसे लास्ट वीक से आप लोगों को असाइनमेंट भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया देखो थ्योरी टेस्ट से पहले बरोबर काम का है ना ये सर बहुत काम का है वैसा ही मैं जैसे कि कल देखो वेंसडे को एमसीक्यूज के टेस्ट होते हैं तो आज भी आपको मैं कल कौन सा टेस्ट है एमसीक्यूज का कंप्रेसिव कांसेप्ट ना केमिस्ट्री यस सर केमिस्ट्री आज आज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसका असाइनमेंट लेक्चर के बाद सेंड करूंगा असाइनमेंट वो आप आज सॉल्व करोगे फिर कल पेपर आएगा एंड नेक्स्ट वीक से तो आप यूजर आईडी पासवर्ड यूज करोगे ठीक है ओके सर दिस इज द गिवन सम इन ट्रिग्नो फॉर्म एज वी कैन सी दिस इज इन ट्रिग्नो फॉर्म And the question is to write this complex number in a real form. Real form मतलब उसने यहाँ पे textbook में xy form बोला, x plus iy form में लेके आना। तो मैं क्या करूँगा? आपका polar form का formula देखो, यही मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। आप इसको compare करो, on comparing with our formula, r cos theta plus i sin theta. So here, अगर आप compare कर रहे हो, तो ध्यान से देखो, r का value क्या आ रहा है? root 3 cos theta की वैल्यू क्या है cos 5/6 एंड sin theta की वैल्यू sin 5/6 बराबर ना कंपेयर किया तो यस सर ओके ओके अब भी हमने फॉर्मूला लिखा था जो मैंने रब किया है cos theta तो होता है a by r बराबर ना यस सर यस सर एंड साइन थीटा होता है बी बाय आर यस ठीक यस यस अच्छा कॉस पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय सिक्स मतलब कॉस थर्टी का वैल्यू क्या होता है 3/2 कॉस थर्टी √3/2 एंड साइन थर्टी 1/2 x अपॉन नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन r की वैल्यू मेरे पास है √3 इक्वल्स टू √3/2 y अपॉन √3 इक्वल्स टू 1/2 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 इनटू √3 विल बी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 ना यस यस सर y की वैल्यू हो जाएगी √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मुझे x और y की वैल्यू मिल गई मतलब z का वैल्यू क्या आया 3/2
प्लस रूट थ्री बाय टू इंटू आई खत्म। यस सर। यस सर। समझा सबको? यस सर। एक और बार बताओ ना स्टार्टिंग का क्या बोलना एग्जैक्टली पूछ क्या तुझे प्रॉब्लम है सर वो स्टार्टिंग का बस स्टार्टिंग इन द सेंस सी दिस इज योर ट्रिग्नो फॉर्म द गिवन सम एंड द क्वेश्चन इज टू राइट दिस ट्रिग्नो फॉर्म इन रियल फॉर्म ये फॉर्म में लेके आना है तुझे ये हाँ. से ये फॉर्म में लेके आना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए सिंपल मैंने अभी अभी समझाया एक्स वाई या ए बी सब एक ही बात है ठीक तो जो भी अपने को दिया गया है ये ट्रिग्नो अपना जो ट्रिग्नो फॉर्म है इसका फॉर्मूला यही है ना ट्रिग्नो फॉर्म का फॉर्मूला ये है हाँ सर, हाँ. तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग विद देख मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग विद इन दोनों को कंपेयर किया तो आर की वैल्यू रूट थ्री हो गई कॉस थीटा कॉस पाई बाय सिक्स साइन थीटा साइन पाई बाय सिक्स अब कॉस थीटा जो अभी अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था अगर उस पर ध्यान दिया रहेगा तो कॉस थीटा होता है एक्स बाय आर एंड साइन थीटा होता है वाई बाय आर हाँ तो मेरे पास r की वैल्यू है cos 30 मुझे मालूम है टेबल से रूट थ्री बाई टू होती है sin 30 हाफ होती है क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया एक्स वाई का आंसर मिल गया मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल फॉर्म में मिल गया ओके 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 सबको क्लियर है यस सर ओके गुड देन 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 कंप्लीट करो फिर मैं एक सम और ट्राई करूंगा एक्चुअली अब अगर देखा जाए डिलीटेड पोर्शन को हटा देंगे तो लगभग आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है शायद एक घंटे में हो जाएगा बट फिर भी न्यू स्टूडेंट के लिए तो बड़ा टेंशन वाली बात रहेगी पता नहीं क्या पढ़ा रहा है झालो का सर्वांश यस सर हो सर एक मिनट सर सर इससे आगे हम लोग मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना इसका अगर पूछेगा तब ना जब इसको बोला डायरेक्टली रियल फॉर्म में लेके आता तो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड 2 फाइंड करेगा मेरे भाई नहीं सर अगर पूछा तो सर तो अगर मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड पूछा तो जरा ध्यान दे तेरे पास आर जो था यही मॉड्यूलस था और थीटा जो था यही एम्पलीट्यूड था तेरे पास पहले से है वापस क्यों पूछेगा यस सर समझा ना हाँ सर हाँ मीनिंग को समझो सम समझने से इम्पोर्टेंट है मीनिंग को समझो मीनिंग समझ गया तो कहीं से कुछ भी पूछेगा तुम लोग सॉल्व कर लोगे हमारे घर भी बारिश है क्या अभी यस सर जस्ट आई सर यस सर यहाँ पर भी है फिर ठीक है हम लोग साथ साथ में बारिश हो रही है लास्ट एक सम ले रहा हूँ आज के लिए अच्छा कुछ नहीं एक इजी सम ले रहा हूँ चलो आप लोग करो मैं नहीं करूंगा इसको ट्रिग्नो फॉर्म में कन्वर्ट करो चलो समझा कि नहीं माइनस वन प्लस रूट थ्री आई को ट्रिग्नो फॉर्म में कन्वर्ट करो मतलब ये फॉर्म में लेके आना है इनको आ रहा है फटाफट करो
स्टार्ट किया सबने सर, ऐसे ही आंसर आया मतलब मन से गया तो देखो ना एक बार राइट है क्या। अरे बाबा तू मन से वाला बात कर रहा है, दिल से मत कर। आर इज इक्वल्स टू 2 आया है और थीटा क्या बोलते इसको, ये पाई अपॉन 6 आया। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं याद कर। सर सर नहीं मतलब अभी डायरेक्ट आया था क्या? यही आंसर है ना? सर अगर तुम लोग का प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना तो बहुत कम टाइम में ये सब सॉल्व होता है, इतना सोचना नहीं पड़ता। आया क्या सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। इजी है रे बाबा, हम लोग कितने दिन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब तो इजी लगना चाहिए। सबका हो गया, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ बोलना है प्लीज? किसी को कुछ नहीं पूछना? हेलो। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है देन, प्रैक्टिस करो और प्लीज जो 2 पॉइंट मैंने बोला ऑफलाइन के लिए घर पे बात करो प्लीज, एक्टिविटीज के लिए एंड एंट्रेंस के लिए सोच के मुझे मैसेज करो, ठीक है? यस सर। ठीक सर। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो।